आओ राजन आओ। आप अभी तक यहीं सन्यासी? एक सन्यासी प्रतीक्षा करने के अलावा अतिरिक्त और क्या कर सकता है? मैं तुम्हारे फिर से एक बार खाली हाथ आने की प्रतीक्षा कर रहा था राजन। हम खाली हाथ अवश्य लौटे सन्यासी, किंतु तुमने हार नहीं मानी है। हमने पूर्ण प्रयास किया और पुनः करेंगे। हाँ, किंतु वो प्रयास पर्याप्त नहीं था। नहीं नहीं, मैं समझता हूं राजन, तुम्हारी विवशता समझता हूं मैं, किंतु वो बेटा यदि वो मनुष्य होता तो आसानी से पकड़ा जाता, यदि वो पूरी तरह प्रेत होता तो उसे पकड़कर यहां लाना कठिन ना होता। तो विडंबना यह है कि ना तो वो पूरी तरह मनुष्य है और ना ही पूरी तरह प्रेत। बेताल चाहे कोई भी हो सन्यासी, उससे हमारा संकल्प नहीं बदल जाएगा। किंतु मैं तो ये कहूंगा राजन, यदि मेरा दिया हुआ कार्य तुम्हारी क्षमता से अधिक बड़ा तुम्हें लग रहा हो तो तुम अपना संकल्प बदल भी सकते हो। अधिक से अधिक क्या होगा, जो मेरा छोटा सा ऋण तुम पर है वो तुम चुका नहीं पाओगे। अधिक से अधिक यही होगा ना, तो ठीक है जाने दो। प्रश्न अब केवल आपके ऋण से उऋण होने का नहीं है सन्यासी, प्रश्न हमारे वचन का है। और ये तो सारा संसार जानता है कि राजा विक्रमादित्य का वचन अटल है। इसीलिए तो मैंने तुम पर दाव लगाया राजन, तुम्हें बेताल को मेरे पास लाना ही होगा। कालिदास जी, आजकल हम अपनी प्रजा पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारी प्रजा किसी कष्ट में तो नहीं है? प्रजा में हमारे प्रति कोई असंतोष तो नहीं है? महाराज, आपके शासन काल में निर्बल को भी बल मिला है। किसी अबला के लज्जा वस्त्रों को छूने का दुस्साहस वायु में भी नहीं है। इतनी संतुष्ट और सुरक्षित है आपकी उज्जैन की प्रजा। कविराज, कविता सचमुच आपके कंठ में बसती है। इतनी साधारण सी सूचना को भी आपने कविता बना दिया। ध्वनि कैसी? सम्राट, सम्राट शीघ्र चलिए, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या बात है विराट सिंह जी? सम्राट, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश से मृत्यु बरसने जा रही है। आप स्वयं चलकर देख लीजिए। चलिए। किसी विनाश का आरंभ हो। महाराज, मैंने अपनी पूरी आयु ग्रह नक्षत्र की विद्या में बिता दी, परंतु ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। दुर्गा पिंड तो पृथ्वी की ओर ही आ रहे आचार्य। यदि ये हमारे उज्जैनी राज्य पर गिरे तो समस्त राज्य नष्ट हो जाएगा। महाराज, हम ऐसा होने नहीं देंगे आचार्य। विराट सिंह जी। जी सर। हमारा धनुष अवश्य।
आज आपने पृथ्वी को एक बहुत बड़े अनर्थ से बचा लिया। कुछ भी हो सकता था। आचार्य वरामहीर जी, संकट तब तक नहीं टलता है जब तक उसके पीछे के कारण का पता नहीं चल जाता है। शीघ्र पता लगेगा आचार्य, इस संकट का कारण क्या है। जो आज्ञा महाराज। राजन, ये मेरा सौभाग्य है या तेरा दुर्भाग्य है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसी घटनाएं घटती जाती है। जैसी मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ वैसी ही परिस्थिति निर्मित हो जाती है। किसी ने सच कहा है, सच्चे मन से कार्य करने की सोचो तो पूर्ण प्रकृति उसका साथ देती है। राजन, अब तेरे सत्यनिष्ठ गुण की परीक्षा आरंभ होती है। आचार्य वरामहीर जी, कुछ ज्ञात हुआ आपको? इतनी बड़ी घटना का कारण क्या है? महाराज, जो मैं देख पा रहा हूँ उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। स्पष्ट कहिए आचार्य, बात क्या है? वो देखिए महाराज, सौर मंडल के दो सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य और शनि आज एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए, और इन दोनों की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई सूर्य और शनि के बीच? जी महाराज, और यदि ऐसा हुआ तो सबसे अधिक अनिष्ट हमारे ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह पे होगा। तो क्या उल्का पिंडों का गिरना, उनका आपस में टकराना, ये सब इसी घटना का परिणाम है? ये परिणाम नहीं महाराज, आरंभ मात्र है। यदि सूर्य देव और शनि देव के बीच युद्ध हुआ तो महाराज इस संसार में कुछ शेष नहीं बचे, पृथ्वी पर सब कुछ समाप्त हो जाएगा महाराज। पिताश्री, आज समस्त संसार के सम्मुख ये सिद्ध हो जाएगा कि सौर मंडल का वास्तविक अधिपति कौन है, सूर्य देव अथवा शनि देव, अर्थात हम सभी ग्रहों के देव शनि देव। इतना भी अहंकार उचित नहीं शनि, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा पुत्र, इस संसार को मार्ग दिखाने वाला सूर्य देव का पुत्र, एक दिन अहंकार में इस प्रकार अंधा हो जाएगा। अहंकार नहीं पिताश्री, अस्तित्व, ये अस्तित्व की लड़ाई है। आज तक ये संसार हमें आपकी छाया मात्र मानता था, किंतु आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा अपना भी एक अस्तित्व है, हमारी अपनी भी एक पहचान है, और हमें अपनी पहचान के लिए किसी पिता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने पिता से भी श्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा ही हुआ शनि कि तुमने मुझे पिता के दायित्व से ही मुक्त कर दिया। अब तुम्हें दंड देने में मैं कदापि संकोच नहीं करूंगा। दंड? पिताश्री, दंड का विधान शनि देव के पास है, सूर्य देव के पास नहीं। और आज आपको भी ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसके दंड के पात्र है।
और आज जिसका भय था वही हुआ। सूर्यदेव और शनिदेव के मध्य युद्ध आरंभ हो गया है। जीवन में पहली बार स्वयं को इतना विवश अनुभव कर रहे हैं माचार्य। ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध लड़ने से पहले हमारी पराजय हो गई हो। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। इस युद्ध में जो भी विजय हुआ पराजय तो मनुष्यता की होगी। यदि सूर्यदेव इस युद्ध में पराजित होते हैं तो इस संसार की समस्त ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और यदि शनिदेव पराजित होते हैं तो इस संसार से न्याय और दंड की सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। जो भी हो महाराज, दोनों ही स्थितियों में इस पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा महाराज। कोई उपाय नहीं आचार्य, इस महानिष्ठ को रोकने का कोई उपाय नहीं है। महाराज, इस समय इस युद्ध को रोकने का केवल एक ही उपाय समझ में आ रहा है, और वह है ग्रह शांति अनुष्ठान। यदि हम ग्रह शांति अनुष्ठान करके ग्रहों का आवाहन करते हैं तो महाराज हो सकता है कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकले। तैयारी कीजिए आचार्य, इसी समय ग्रह शांति अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। जी महाराज। जिसके शस्त्र मेरे बल को नहीं थाम सकते वो स्वयं को ग्रहों का अधिपति कहते हैं। पिताश्री, शीघ्र ही हम आपका ये भ्रम दूर कर देंगे। तुम कुछ भी कर लो शनि, मैं हमेशा से इस संसार को प्रकाश देता रहा हूं। मैं कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो अपने प्रकाश को अंधकार में बदलने के लिए तैयार हो जाइए पिताश्री। पिताश्री, अभी भी समय है, हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। मान जाइए कि हम सर्वश्रेष्ठ ग्रह हैं। मैं कभी भी असत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो ये लीजिए। ठहरिए शनिदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव।
प्रणाम ब्रह्मदेव। शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं। लोगों के कर्मों का न्याय करना आपका कर्तव्य है और आप ही इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। और सूर्यदेव, आप इतने धैर्यशील और इतने विवेकवान होकर भी संसार का विनाश करने वाले इस युद्ध में सहभागी कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मदेव, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा। फिर चाहे संसार में कितना भी बड़ा अनर्थ क्यों ना हो जाए। शनिदेव, किंतु यह सिद्ध करने के लिए युद्ध कोई मार्ग नहीं है। ठीक है ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप विधि निर्माता हैं, तो आप ही निर्णय कर दीजिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और यह युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। नहीं शनिदेव, आप दोनों के कर्मों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, इसलिए आप दोनों की श्रेष्ठता का निर्णय करने का अधिकार हमें नहीं है। यदि आप हमारी श्रेष्ठता का निर्णय नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? हे नवग्रह, हे सूर्यदेव, हे शनिदेव, हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, इस पृथ्वी के प्रतिनिधि शासक, अपनी प्रजा और संसार की रक्षा के लिए इस ग्रह शांति अनुष्ठान के द्वारा आप सभी का आह्वान करते हैं। कृपया हमारी इस विनती को स्वीकार कीजिए। शनिदेव, सूर्यदेव, आप दोनों की स्थिति परिस्थिति मानवीय जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए राजा विक्रमादित्य ग्रह शांति अनुष्ठान के द्वारा आप सभी ग्रहों का आह्वान कर रहे हैं। आप सभी ग्रहों को उनके यहां जाना चाहिए, वही यह निर्णय कर सकते हैं कि आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मदेव, हम देवों की श्रेष्ठता का निर्णय एक पृथ्वीवासी करेगा, एक मनुष्य करेगा ब्रह्मदेव। हाँ शनिदेव, इस समय संपूर्ण धरती पर राजा विक्रमादित्य से बड़ा कोई न्यायशील राजा नहीं है, इसलिए आप सभी नवग्रहों के महत्व को उनसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव, हम सबको राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। राजन, हम ग्रहों ने आपका आह्वान स्वीकार कर लिया है। हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस धरती पर सुख शांति बनाए रखने के लिए हम सब पर अपनी कृपा करें। हे राजन, ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक सूर्य देव और शनि देव के बीच चल रहे श्रेष्ठता के युद्ध का निर्णय नहीं हो जाता। उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, क्या आप ये निर्णय कर पाएंगे? हे देवगुरु बृहस्पति, हमने स्वेच्छा से संसार की रक्षा करने का दायित्व लिया है और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। एक बार और सोच लो राजन, यदि पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ आपने ग्रहों के साथ न्याय नहीं किया, यदि निर्णय में तनिक भी चूक हुई तो इसका दुष्परिणाम आप और आपके संपूर्ण राज्य के लिए हितकारी नहीं होगा। हे नवग्रहों, हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं
कि हम जो भी निर्णय लेंगे पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ लेंगे। राजा विक्रमादित्य, सूर्यदेव और श्रीदेव के मध्य श्रेष्ठता का निर्णय ही तुम्हारी परीक्षा है सत्यनिष्ठता की। अब देखना यह है कि सत्यनिष्ठता की परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होते हो या नहीं।